वर्ष 2013 में संघ लोक सेवा आयोग ने अपने सिविल सर्विसेज की भर्तियों के लिए एक नया पाठ्यक्रम जारी किया। उस पाठ्यक्रम में एक नया विषय जो संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सम्मिलित किया था, आज जीएस पेपर 4 के रूप में प्रचलित है विद्यार्थियों में। आज हम उसी पेपर के क्या कंटेंट हैं, क्या अवयव हैं और इस पेपर को 2013 में सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या है संघ लोक सेवा आयोग का, ये देखेंगे। और उसके बाद किन किन विषयों की समझ जरूरी है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, उसकी बात करेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी किताबें जरूरी हैं इस प्रश्न पत्र की तैयारी में। एक बात बता दूं आपको, 2013 में संघ लोक सेवा आयोग ने ये पेपर अपने इस पेपर को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया और इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, बाद में चलते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोगों ने इस पाठ्यक्रम के हिसाब से अपना नया कलेवर जारी किया और आज धीरे धीरे लगभग सभी हिंदी भाषी राज्यों में इस पेपर को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जा रहा है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस प्रश्न पत्र में किन किन विषयों की समझ जरूरी है, अर्थात इस प्रश्न पत्र में ऐसे कौन कौन से विषय वस्तु हैं जिनका अध्ययन एक अभ्यर्थी से अपेक्षित है। तो मूल रूप से इस प्रश्न पत्र के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व का परीक्षण करना चाहता है। मूल रूप से ये कोई विषय अपने आप में एक डिसिप्लिन या किसी ज्ञान विज्ञान की शाखा ना होकर एक सामान्य किस्म का विषय वस्तु अपने आप में सम्मिलित करता है और हम इसको अगर किसी डिसिप्लिन से लिंक करना चाहेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये तीन विभिन्न विषयों से कुछ चैप्टर्स, कुछ कंटेंट उठा के इस जीएस पेपर 4 का पाठ्यक्रम निर्मित हुआ है। पहला अवयव है जिसे हम फिलॉसफी या दर्शन कह सकते हैं, जो नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि के नाम से प्रचलित है, उसमें मुख्य रूप से तीन विषय के कुछ चैप्टर्स, कुछ पार्ट सम्मिलित हैं। पहला दर्शन शास्त्र, दूसरा मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, तीसरा सामान्य प्रशासन के कुछ विषय। संघ लोक सेवा आयोग इस पाठ्यक्रम के माध्यम से आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। पहला, आपकी समझ के स्तर पर, किसी विषय वस्तु को समझने के लिए आप कितने तत्पर हैं, कितने गहराई में आपने विषयों को समझा है। दूसरा, इन्हीं कंटेंट के अवयव से मिला के, इन्हीं कंटेंट से मिला के एक केस स्टडी तैयार करता है संघ लोक सेवा आयोग और आपसे ये कहता है कि इस विशेष परिस्थिति में आप कौन सा कदम उठाएंगे और क्यों। यानी इस प्रश्न पत्र के दो हिस्से हैं, पहला इन तीन विषयों के कुछ प्रश्न उत्तर के फॉर्म में होंगे, जो आपको जिस तरह से आप अन्य विषयों में लिखते हैं प्रश्न और उसका उत्तर उस तरह लिखना है। दूसरा, केस स्टडी के माध्यम से। इसके विषय वस्तु क्या है, थोड़ा और हम इसकी अगर एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे दर्शन शास्त्र में दर्शन शास्त्र ज्ञान की एक शाखा है, बहुत पुरानी शाखा है। हमें गहराई में जाके दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं करना है, दर्शन शास्त्र के कुछ चैप्टर्स कह सकते हैं, कुछ पाठ कह सकते हैं आप, केवल उन्हीं का अध्ययन करना है। पहला है नीति शास्त्र, इंग्लिश में एथिक्स जिसे कहा गया है, हिंदी में उसे नीति शास्त्र कहते हैं। और इसके हिसाब से हमें यह तय करना होता है कि हमारा कौन सा कदम सही है, गलत है। यानी नीति शास्त्र का अध्ययन मदद करता है हमारी ये बात समझने में
कि हमारा कौन सा कदम हमारे हित में है या समाज के हित में है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें हमें विशेष तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, ये हम नीति शास्त्र के अध्ययन में सीखेंगे। दूसरा पाठ है मूल्य, वैल्यूज। इसके अंतर्गत हमें अपने बारे में और दूसरे के बारे में ये समझ विकसित करनी है कि हमारे मूल्य बनते कैसे हैं, जो मानवीय मूल्य हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, स्वयं के मूल्यों का परीक्षण करने की समझ विकसित होती है, और आगे चल के अगर किसी के मूल्य में परिवर्तन करना हुआ तो कौन सी तकनीक सहयोगी होगी उसका अध्ययन करते हैं। तीसरा है थिंकर्स यानी चिंतक। इस खंड में यानी चिंतकों के बारे में संघ लोक सेवा आयोग का पाठ्यक्रम कोई बहुत क्लियर नहीं है। ये कहता है कि भारत एवं विश्व के कुछ महत्वपूर्ण चिंतकों, मनोवैज्ञानिक, सोशल थिंकर्स, मॉरल थिंकर्स, फिलोसोफर्स, इन सब के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए जिन्होंने वर्तमान सामाजिक व्यवस्था, मानवीय मूल्यों के उत्थान और समाज के उत्थान में अपना योगदान किया है। तो मैं समझ पा रहा हूं जहां तक आप दर्शन शास्त्र के अंतर्गत केवल इन तीन चैप्टर्स कह लीजिए, आप इन तीन चैप्टर्स का अध्ययन कर लें तो अपने आप में इस जीएस पेपर 4 के पहले खंड की तैयारी आप ठीक ठाक कर सकते हैं। दूसरा खंड है साइकोलॉजी, हिंदी में जिसे आप कहते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत एक बार फिर से संघ लोक सेवा आयोग ने पूरे मनोविज्ञान विषय को पढ़ने की अपेक्षा आपसे नहीं की है। मनोविज्ञान के वो चैप्टर्स जो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है, जिनसे आपका व्यक्तित्व निर्मित होता है, उन तीन चैप्टर्स को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। पहला है एटीट्यूड, हिंदी अनुवाद इसका होता है मनोवृत्ति या मनोभाव। मनोवृत्ति या एटीट्यूड को लेके जो हमारी साधारण समझ यही है कि हर एक व्यक्ति का एटीट्यूड अलग अलग होता है, विभिन्न विषयों को लेके, विभिन्न स्थानों को लेके, विभिन्न मनुष्यों के लेके हमारी समझ या तो उनके तरफ सकारात्मक होती है या नकारात्मक होती है या अन्य स्तर की होती है, ना तो बहुत तेज हो, बहुत तीव्र हो, ना तो बहुत धीमी हो। तो एटीट्यूड के माध्यम से हम जब इस पाठ का अध्ययन करेंगे उसमें हमारा उद्देश्य ये होगा कि वो कौन से ऐसे तत्व हैं, वो कौन से ऐसे अवयव हैं जो जिनसे मनोवृत्ति का निर्माण होता है, किन परिस्थितियों में मनोवृत्ति बदली जा सकती है, क्या यह संभव है और यदि संभव है तो कैसे। पाठ्यक्रम में बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि हम एटीट्यूड के फंक्शंस, कंपोनेंट इनका अध्ययन करेंगे और आगे चल के पर्सुएशन यानी मनोनयन, किसी दूसरे व्यक्ति का मनोवृत्ति बदलना हो आपको तो किन तकनीक का इस्तेमाल करेंगे उसका अध्ययन हम करेंगे। दूसरा चैप्टर फिलोसोफी साइकोलॉजी का आपके पाठ्यक्रम में है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का साधारण अर्थ यही है कि आपके अंदर वो कौन से ऐसे गुण हैं जिनसे आप अपने व्यक्तित्व का सबसे अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत उत्थान के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए। दूसरे शब्दों में एप्टीट्यूड हर इंसान की अपनी वो काबिलियत होती है जिन क्षेत्रों में वो अपना बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। मैं थोड़ा और इलेबोरेट करता हूं इसको। अभिक्षमता का अर्थ है व्यक्ति के उन गुणों की पहचान जो उनमें सबसे अच्छी तरह से उपस्थित है। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर, उनमें एक खेल के प्रति एप्टीट्यूड या खेल
के लिए जो अविक्षमता चाहिए वो बहुत अच्छी थी, और जब उन्होंने खेल को चुना अपने कैरियर के लिए उनमें उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर का एप्टीट्यूड खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। इसी तरह सोनू निगम की बात करें तो संगीत को लेके गायन को लेके उनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा था, यानी किसी क्षेत्र विशेष में उनको अगर मौका मिले तो वो अपनी क्षमताओं का सबसे अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो सोनू निगम का गायकी के क्षेत्र में अपनी क्षमता अच्छी है। आपके पाठ्यक्रम में जिन चीजों को दिया गया है उनका अध्ययन करने के बाद आप पाएंगे कि किस तरह से किसी के एप्टीट्यूड की पहचान की जाए, क्या एप्टीट्यूड बदला जा सकता है, जीवन के किस कालखंड में इसका निर्माण होता है, इन सब बातों का गहराई से हम अध्ययन करेंगे अपनी क्षमता वाले चैप्टर में। तीसरा चैप्टर है इमोशनल मनोविज्ञान का तीसरा पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक समझ। भावनात्मक समझ साइकोलॉजी का एक बहुत ही उभरता हुआ विषय है। अभी तक जितने भी थिंकर्स हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात को मान के चलते थे जिस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता यानी कि आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट, एक व्यक्ति जितना बुद्धिमान होगा अपने जीवन में वो उतना ही ज्यादा सफल होगा। विभिन्न कंपनियां जब अपने एम्प्लॉयज की भर्ती करती थी तो वो इन बात पे ध्यान रखती थी कि जिन लोगों की वो भर्ती कर रहे हैं उनकी समझ कितनी अच्छी है, वो कितने बुद्धिमान हैं। लेकिन बहुत सारे जब रिसर्च हुए, अनुसंधान हुए और डेटा मिला, तब जाके हमारे ये समझ में आया कि किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता से ज़्यादा ये जरूरी है कि वो व्यक्ति भावनात्मक रूप से कितना समझदार है। आज भी भारतवर्ष में इतने भी एग्जामिनेशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे भारत सरकार के या विभिन्न गैर सरकारी कंपनियां जो अपने कर्मचारियों की भर्ती करती हैं उनमें जिस तरह का वो टेस्ट प्रिपेयर करती हैं उनमें ज़्यादातर किसी कैंडिडेट के बुद्धिमत्ता का ही परीक्षण होता है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ पे साइकोलॉजी पे खूब सारे अनुसंधान चल रहे हैं वहाँ ये बात निकल के आई कि किसी के जीवन में जो बेहतरीन प्रदर्शन हो सकता है वो भावनात्मक समझ बुद्धिमत्ता से कहीं ज़्यादा जरूरी है। एक डेनियल गोलमैन नाम के मनोविश्लेषक हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा है किसी व्यक्ति की सफलता में उसकी बुद्धिमत्ता का इंटेलिजेंस का सिर्फ 20% योगदान होता है, 80% योगदान उसकी भावनात्मक समझ का होता है, यानी वो विशेष व्यक्ति भावनात्मक रूप से कितना मजबूत और कितना समझदार है उसी के हिसाब से उसके जीवन की सफलता निर्धारित होती है। इस विषय के अंतर्गत हम इन तीनों चैप्टर्स का डिटेल में अध्ययन करेंगे, समझेंगे, और कुल मिला के अगर मैं समराइज एक लाइन में करूं तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में साइकोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकती है, मनोविज्ञान का क्या योगदान हो सकता है, हम उसका अध्ययन करेंगे। इतना अपेक्षा है संघ लोक सेवा आयोग की किसी भी अभ्यर्थी से। तीसरा खंड जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो आपको पढ़ना है, उसका टाइटल मैंने दिया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी सामान्य प्रशासन। सामान्य प्रशासन में कुछ ऐसे छोटे छोटे मुद्दे हैं जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है जिनके ऊपर संघ लोक सेवा आयोग अपनी केस स्टडी बनाता है। उनमें से एक है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार दूसरा विषय है नागरिक चार्टर यानी सिटीजन चार्टर। देखिए ये इनका जैसे मैंने नाम लिया सामान्य प्रशासन,
आपसे ये अपेक्षा नहीं है कि आप इन विषयों का बहुत गहराई में जाकर अध्ययन करें। मूल रूप से एक परिचय के रूप में इनका क्या अर्थ है और इनकी क्या महत्ता है, इनकी बेसिक मूलभूत जानकारी एक उम्मीदवार से अपेक्षित है। पाठ्यक्रम का हिस्सा ये क्यों है, यहाँ पे ये जानना जरूरी है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, पूरे पाठ्यक्रम में सबसे पहला खंड होगा जिसमें प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में आपको आंसर देना है। तो प्रश्न और उत्तर जो बनेंगे मुख्य रूप से इन दो खंडों से बनेंगे, या कभी कभी इस खंड से भी बन सकते हैं, ऐसा मना नहीं है, लेकिन ज्यादातर इन दो खंडों से ही प्रश्न बनते हैं। आपके प्रश्न पत्र का दूसरा हिस्सा पार्ट बी, उसमें केस स्टडी बनाई जाती है। आपको कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, आपको कभी मेडिकल ऑफिसर बना दिया जाता है, आपको कभी जन सूचना अधिकारी बना दिया जाता है, यानी आपको एक पोजीशन, एक डेजिग्नेशन दी जाती है और एक परिस्थिति का निर्माण कर दिया जाता है कि आप एक जन सूचना अधिकारी हैं, आपके सामने ये ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में आप क्या कदम उठाएंगे, इस बात का परीक्षण यूपीएससी करती है। अब सामान्य प्रश्न के अंतर्गत उन्हीं विषयों को सम्मिलित किया गया है जो केस स्टडी में आपसे पूछे जा सके। पिछले 5-6 सालों का प्रश्न पत्र हमारे पास है और उनका विश्लेषण करने पे ये बात सिद्ध होती है कि जितने विषय संघ लोक सेवा आयोग ने अपने पाठ्यक्रम में दिए हैं, साधारणतया वो इन्हीं से अपना प्रश्न पत्र तैयार करते हैं। तो इस तरह से हम अब ये समझ चुके हैं कि पूरे पाठ्यक्रम में हमें किन किन चीजों को पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स दर्शन शास्त्र के हैं, कुछ चैप्टर्स मनोविज्ञान के हैं, और कुछ चैप्टर्स कह लीजिए या कुछ पॉइंट्स सामान्य प्रशासन से संबंधित हैं। आपको इनका अध्ययन करना है। इनके अध्ययन के बाद पूरे प्रश्न पत्र में लगभग 50% अंक इस बात से तय होते हैं कि जो प्रश्न आयोग ने पूछा है आपने उसका उत्तर कैसे लिखा है, यानी प्रश्न और उत्तर के फॉर्म। बचे हुए 50% अंक केस स्टडी के माध्यम से आपको प्राप्त करने होते हैं, यानी उनमें एक परिस्थिति का निर्माण करता है आयोग और आपसे पूछता है कि आप अपने आप को वहां रखिए और आप क्या कदम उठाएंगे इस बात को बताइए। आपका जो भी कदम है उसको जस्टिफाई करने के लिए आपसे कुछ कारण पूछे जाएंगे। आपको अपनी समझ के हिसाब से, अपने ज्ञान, मनोविज्ञान की समझ, इन दोनों कंटेंट्स का इस्तेमाल करते हुए उस केस स्टडी का एक निर्धारित और तय फॉर्मेट में आंसर देना होगा। तो मैं जहां तक मैं समझता हूं कि इस विषय के परिचय के रूप में आपसे क्या पढ़ना है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इतनी बातें हम सीख चुके हैं। अब दूसरा सवाल लगता है कि इस जीएस प्रश्न पत्र 4 की तैयारी के लिए किन किताबों का अध्ययन करें। इसका पाठ्यक्रम इतना विस्तृत हो सकता है कि शायद 8-10 किताबें भी कम पड़ जाए, लेकिन अगर आप पिछले प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हमें किसी भी विषय का बहुत गहराई में जाके बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ विषय वस्तु की पहचान और मूलभूत जानकारियां अपेक्षित हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसके लिए लेक्सिकॉन पब्लिकेशन की किताब है, जितने भी किताबें बाजार में उपलब्ध हैं उनमें से 2 या 3 किताबों का ही मेरा अध्ययन है और उन्हीं के हिसाब से ही जो मैंने बेहतरीन पाया मैं आपको सुझा सकता हूँ। लेक्सिकॉन प्रकाशन हिंदी में भी एक किताब अवेलेबल है। सिर्फ एक किताब का अध्ययन अपेक्षित है और मेरे हिसाब से वो पर्याप्त भी है। तो बजाय इसके आप बहुत सारी किताबों में बढ़ के लेक्सिकॉन पब्लिकेशन की सिर्फ एक किताब आप उठाइए। इन सिलेबस में जितनी बातें इस पाठ्यक्रम में मैंने आपको समझाई हैं सारी किताबों में हैं, आप पढ़िए, अपनी समझ विकसित करिए। जब कभी आप इस द्वंद में आए कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ इतना संपूर्ण है, इतना सफिशियंट है या नहीं, तो आज 5-6 सालों का प्रश्न पत्र उत्तर संघ लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पे उपलब्ध है, बहुत से
प्रकाशकों ने कंपाइल करके अपना पब्लिश भी किया है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का अध्ययन करिए और आप देखेंगे इस जितने भी सवाल पूछे गए थे, एक या तो अपवाद को छोड़ दें तो सारे प्रश्नों का जवाब एक पर्टिकुलर बुक के अध्ययन से मिलता। तो मुझे उम्मीद है कि इतना परिचय आपकी तैयारी में मददगार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।